प्रिय विद्यार्थियों, आरसीएच बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं आंकी प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे तीन आंकी प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तांबे के लिए देहली आवर्ती का मान लागू दे रखा है, हमें तांबे के कार्यकरण और हम योग का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमें देखो दिया है, इसके अंदर हमें दिया है देहली आवर्ती का मान, न्यू नोड का मान हमें दिया है 1.12 × 10⁵ हर्ट्ज, ठीक है भाई। और हमें तरंग धैर्य का मान दिया है, हमें लैम्ब्डा का मान दिया है 2537 एंगस्ट्रम। हमें एक तो कार्यक्षण का मान ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं कि जो कार्यक्षण होता है वो कार्यक्षण का सूत्र होता है फाई नोड बराबर एच इंटू न्यू नोड। तो फाई नोड बराबर एच का मान अपन जानते फिक्स होता है 6.63 × 10⁻¹⁴, और आवर्ती मान दिया हमें 1.12 × 10⁵, ठीक है भाई। एच इंटू न्यू नोड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो मान है, यहाँ तक आपको जो आंसर है यहाँ पे जूल में प्राप्त होगा यहाँ तक, ठीक है। अगर हमें इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करना हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है भाई, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये एक ईवी का मान होता है, ठीक है। तो अगर हम जूल से मान ईवी में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश का इसे भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा भाई फाई नोट बराबर 6.63 × 10⁻¹⁴ × 1.12 × 10⁵। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश भाई भाग लगा देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ ईवी। अब ये मान आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने इसका आवेश भाग लगा दिया। जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये मान आ जाएगा 4.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आ जाएगा आंसर सोल्व करने पर, ठीक है भाई। तो ये पहला हो गया। और दूसरा हमें इसके अंदर हमें जो है निरोधी योग का मान भी ज्ञात करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इसको। आप देखो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि निरोधी योग का मान ज्ञात करो। अपन जानते हैं प्रकाश धारा जो समीकरण होता है, प्रकाश धारा समीकरण से अपन जानते हैं यहाँ से भाई जो मान होता है इस समीकरण से, जो के मैक्स होता है, के मैक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नोट, ठीक है। ये होता है प्रकाश धारा समीकरण। अब देखो और अपन ये भी जानते हैं कि के मैक्स का जो मान होता है वो बराबर होता है ई वी नोट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोध व्यूह में संबंध पाया जाता है। तो हम इस जगह ये लिख सकते हैं ई वी नोट, इसलिए यहाँ आ जाएगा ई वी नोट बराबर एच न्यू, न्यू बराबर अपन जानते हैं न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्ब्डा, यहाँ न्यू का मान रख देंगे, यह जाएगा एच सी अपॉन लैम्ब्डा माइनस फाई नोट, हमने अभी ज्ञात कर लिया। इसका मान जो अभी आया था वो 4.64 आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें देखो वी नोट का मान चाहिए, तो वी नोट इक्वल यहाँ जाएगा एच सी अपॉन लैम्ब्डा माइनस 4.64 बटे ई, यानी आवेश इलेक्ट्रॉन का, इन सब के मान रख देंगे। वी नोट बराबर एच का मान रख देंगे 6.63 × 10⁻¹⁴, ठीक है भाई। प्रकाश का जो वेग है सी, सी का मान रख देंगे, ठीक है। और माइनस ई हमने पहले मान ज्ञात कर ले इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नीचे लैम्ब्डा है, लैम्ब्डा है 2537 है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे लैम्ब्डा को, तो माइनस 10 मीटर आ जाएगा, एंगस्ट्रम से मीटर में चेंज कर लेंगे, और ये ई बी से गुणा हो जाएगा आवेश भी, तो ये 1.6 × 10⁻¹⁹ यहाँ तक, ठीक है भाई। तो हमने इसको यहाँ तक सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे इसका आंसर लगभग 0.25 वोल्ट इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा सोल्व करने पर इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन था। देखो आगे अब हमारा इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दूसरे क्वेश्चन में हमें इसके अंदर
देहली तरंग जो धैर्य है उसका मान दिया, हमें कार्यभ्रम का मान ज्ञात करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन में हमें इसमें दिया है देहली तरंग धैर्य, लैम्ब्डा नोट का मान हमें दिया है, लैम्ब्डा नोट देहली तरंग धैर्य होता है भाई, ये हमें दिया है 5675 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये मान हमें दिया है। एंगस्ट्रम से अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो उसको गुणा कर देंगे किससे, 10^-10 मीटर से, क्योंकि एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10^-10 मीटर, ठीक है भाई। अब देखो हमें ज्ञात करना है इसका कार्य फलन ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं कि जो कार्य जो फलन होता है उसका सूत्र होता है फाई नोट बराबर एच इंटू न्यू नोट होता है भाई। अब चूंकि अपन ये भी जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये न्यू नोट हो तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा नोट, ठीक है, अपन यहाँ पे इसका मान रख देंगे डेली आवृत्ति का, तो ये आ जाएगा या फाई नोट बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्ब्डा नोट, इस समय में दिया है, ये दोनों मान फिक्स होते ही हैं, तो फाई नोट बराबर एच का मान रखो जो फिक्स होता है, और सी का मान प्रकाश संवेग का मान 3×10^8, और ये आपको दे रखा है 5675 एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लो भाई गुणा करके, तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो इसको सोल्व करने इसका जो आंसर है तो यहाँ तक इसका मान जूल में आएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दें जिसमें, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगाने पर इसका जो मान है वो इसका मान आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दें इसके अंदर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान प्राप्त हो जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो ये लगभग 2.1 ev हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो तीसरा क्वेश्चन है तो उसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें 3000-6000 एंगस्ट्रम के विकर्ण के दे रखे हैं, हमें इनमें गतिज ऊर्जाओं में अंतर ज्ञात करना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमें दिया है तरंग धैर्य लैम्ब्डा 1 मान ले इसको 3000 और लैम्ब्डा 2 मान ले इसको दिया है 6000 एंगस्ट्रम, ये हमें तरंग धैर्य के मान दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गतिज ऊर्जाओं में अंतर बताओ, तो अपन जानते हैं प्रकाश धारा समीकरण से ये होता है वही के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नोट होता है समीकरण, ठीक है, अगर इसको के वन मान लें पहली अवस्था में तो ये के वन इक्वल ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नोट, इसी प्रकार दूसरी अवस्था में यानी दूसरी अवस्था में के टू के क्या हो जाएगा, के टू मान लें के टू, ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे एच न्यू को मान लें न्यू वन एच न्यू न्यू टू हो जाएगा और ये रहेगा फाई नोट, माना कि नंबर ये एक समीकरण मान लें और इसको नंबर दो मान लें, हमें ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करना है तो समीकरण एक में दो को घटा देंगे, तो यह आ जाएगा समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर भाई एक में दो घटा देंगे किया जाएगा के वन माइनस के टू बराबर एच न्यू वन माइनस फाई नोट माइनस एच न्यू नोट प्लस का हो जाएगा फाई नोट, ये कट जाएगा तो के वन माइनस के टू बराबर एच कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यू वन माइनस न्यू टू, दोनों का मान रख देंगे तो के वन माइनस के टू का जो मान है ये आ जाएगा एच इंटू, देखो न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्ब्डा, न्यू का मान जो है आवर्ती का, यह आ जाएगा सी को ले कॉमन तो आ जाएगा 1/λ1 और 1/λ2 आ जाएगा, इनका ले लेस है दोनों का, तो के वन माइनस तो के टू का जो मान है एच सी इंटू लैम्ब्डा टू यहाँ आ जाएगा और लैम्ब्डा वन यहाँ आ जाएगा लैम्ब्डा वन और लैम्ब्डा टू, ठीक है भाई, इन सब के मान रख लेंगे, एच सी का मान फिक्स होता है ये आपको दे रखे हैं, सोल्व करेंगे इसका मान आ जाएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सोल्व करने पर, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, थैंक यू।